एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी फोन हो, रेडमी का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, उसमें आप कई सारे जीमेल बना चुके होंगे और रिमूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो या अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो, तो आपके पास निश्चित होगा कि कई सारे जीमेल आप बना के रखे होंगे या दोस्तों आप यूज करते होंगे। जैसे बहुत लोग यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर क्या करते हैं, 4, 5, 8, 10 जीमेल बना ही लेते हैं, है ना। अगर आपने भी बना रखा है तो मुझे मैसेज में डालना जरूर कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपने, आपके पास भी 10 जीमेल बना रखे हैं आपने और उसमें से हटाना चाहते हो। अब क्या होता है कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो एक जीमेल के अलावा अगर ज्यादा जीमेल रहेगा तो आपके यूट्यूब चैनल में प्रॉब्लम आने तय है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने फोन से जीमेल आईडी को कैसे रिमूव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोन से जीमेल हटाने बोल रहा हूं मैं, यूट्यूब से नहीं, फोन से। तो फोन से कैसे हटाते हैं ये आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मेरे पास है ओप्पो का फोन, ओके, सो A54 का फोन है। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, अपने फोन में कई सारे जीमेल मैंने लॉगिन कर रखा है, तो एक जीमेल को मैं रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। तो फटाफट क्या करना है, आपको अपने फोन में चले आने हैं और सेटिंग पर चले आने हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी फोन है, तो आप जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूं, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप अपने जीमेल को हटा पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में चले जाने हैं, यहाँ पे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। नीचे में दोस्तों आपको यूजर एंड अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, यूजर्स एंड अकाउंट, ये वाला ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है किसी भी फोन में, तो आप वहीं से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस यूजर्स एंड अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। दोस्तों क्लिक करने के बाद क्या है कि हमने जितने यहाँ पे सोशल मीडिया चीजों को मैंने यूज करा है या यूज कर रहे हैं, उन सारा का सारा यहाँ डिटेल देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे फेसबुक, गूगल, जियो चैट, मैसेंजर, टेलीग्राम, यूसी ब्राउजर एंड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस और क्या है तो ट्यूटर, सभी के सभी एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो। दोस्तों अब यहाँ पे आपको जीमेल हटाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है गूगल, उस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करें, यहाँ पे क्या है कि आपको सारे के सारे जो गूगल मेल आपने लॉगिन कर रखा है अपने फोन में, सारे के सारे जीमेल आपको दिख जाएंगे। अब इसमें से जोन से जीमेल को आपको डिलीट करना है, जोन से भी जीमेल को आपको यहां से हटाना है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों सबसे नीचे एक जीमेल है gitamit666 करके, उसे मैं हटाना चाहता हूं। कैसे हटाता हूं, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा, अकाउंट एंड साइंस। तो यहां पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलने के बाद ऊपर में देख पा रहा हूं यहां पे कि डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, डबल बटन, मतलब कि डबल बॉटम यहां पे बटन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना आपको। सो यहां पे आपको सिंक नाउ और यहां पे रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। जी हां दोस्तों, सिंक नाउ और रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आप यहां पे रिमूव अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहां पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, रिमूव अकाउंट, रिमूविंग दिस अकाउंट विल डिलीटेड ऑल ऑफ इट्स मैसेज कंटेंट्स एंड अदर डिटेल डेटा, मतलब कि सारे का सारे फोन में जो डेटा है, इस वाले जीमेल पर जो सेट है, सभी के सभी हटा दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रिमूव एक्सेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका यहां से डेटा हट जाएगा आपका, तो इस जीमेल को आप हटा पाओगे इजिली। इसके बाद ऑटोमेटिक हमारा स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, और यहां से आप देखते हो कि हमारा यहां से जीमेल हट चुका है, मतलब जो हमने यहां से अपने जीमेल को रिमूव किया है वो बिल्कुल बिल्कुल यहां पे हट चुका है। एंड आई होप कि आपने सीखा होगा कि कैसे आप अपने फोन से जीमेल आईडी को हटा सकते हो। अभी भी मेरे पास यहां पे लगभग 5 जीमेल आईडी लॉगिन है जो कि मेरे काम के हैं, सो मैं इसे रिमूव नहीं करता हूं और मैंने एक जीमेल को रिमूव करके आपको दिखाया है। साथ साथ मैं यहां पे नेक्स्ट वीडियो में आपको जीमेल आईडी ऐड करके भी दिखाने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इसी प्रकार कमाल की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।